हर साल की तरह इस साल भी जो है ईद उल फितर के मौके पे सबको ईद की मुबारकबाद देते हुए और हमारे डाइस पे हमारे मौजम अली खान साहब, एमएलए साहब और हमारे हौस मोहिद्दीन साहब, एडिशनल डीसीपी साहब बाबूराव साहब, एडिशनल डीसीपी साहब और हमारे रवि किरण साहब, जोनल कमिश्नर साहब मुबीन साहब और बाला सुब्रमण्यम साहब और वकबोट के स्टाफ और वाटर वर्क्स इलेक्ट्रिकल सब लोग से मेरी अपील है कि आप लोग पूरी तरीके से यहाँ पर स्टाफ को अपॉइंट करिए, अपॉइंट करके जो ना 24 आवर्स जो है ना यहाँ पर काम जो भी काम बाकी है, छुट्टी है बोल के या ऐसा ऐसा कुछ जगने की रात है आज फिर इसके बाद में छुट्टी है ऐसा नहीं, पहले काम कंप्लीट करे तक आप लोग जो है ना यहाँ से हटना नहीं है किसको भी और पूरी तरीके से ईद के टाइम पे जो है एक दिन पहले यहाँ पर स्टाफ को अपॉइंट करके पूरी तरीके से अच्छे इंतजाम होना और साउंड सिस्टम में भी जो कंप्लेंट है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम साउंड सिस्टम में भी कंप्लेंट नहीं आया वैसा। मुनव्वर साहब आप भी जो है इसको सीरियस लेके साउंड सिस्टम को इसको कंप्लेंट नहीं आना है क्योंकि शास्त्रीपुरम तक इधर आगे तक भी लगना है और इधर बहादुरपुरे तक भी उधर आगे तक जाना है अपने को क्योंकि वाटर वर्क्स का भी वाटर वर्क्स के ऑफिसर साहब से भी मेरी अपील है कि आप पूरे टैंकियों को साफ कराइए पहले क्योंकि एक साल से बंद रहते हो फिर अभी खोले तो खाली पानी भर देने से मैला पानी आ जाएगा तो वजू के लिए प्रॉब्लम होगा, उससे एलर्जी भी हो सकती, तो आप पहले टांकियाँ साफ कराइए, टांकियाँ साफ करा के जो है ना पानी ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पर सप्लाई करिए। ईद उल फितर की जो है ना 10 बजे होगी और रिजवान कुरैशी साहब नमाज पढ़ाएंगे और हमारे आखिल साहब के फर्जंद जाफर पाशा साहब और सैफुल्ला रहमानी साहब खुतबा देंगे और जाफर पाशा साहब का भी बयान रहेगा। GHMC वाटर वर्क डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और जितने दिगर डिपार्टमेंट्स के लोग हैं आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माई बाहैसियत इस एरिए के MLA आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस मीर आलम ईदगाह तेलंगाना में सबसे बड़ा ईदगाह है और यहाँ पर जो इंतज़ाम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की डायरेक्ट निगरानी में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के MLAs कॉरपोरेटर सारे इस इलाके के बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के वर्कर्स ईद के मौके के ऊपर यहाँ पर जितने भी हज़ारों में लोग आते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए तमाम का बेखुसूसी इंतज़ामात करते हैं, यहाँ पर किसी नमाजगार को तकलीफ़ ना होने की मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमेशा कोशिश करती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कोशिश के ऊपर मेहनत से बेहतरीन इंतज़ाम इस मीर आलम ईदगाह पे हर साल होता है। मैं ख़ास तौर से GHMC वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस एंड लाइन ऑर्डर पुलिस और ख़ास तौर से हमारे वकबूत डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।